Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अगर जंगल के हिंसक जानवर मनुष्य की तरह पूजा पाठ भजन और आरती करते दिखें तो एक बार आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन आज हम ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर भजन की धुन बजते ही जंगली जानवर जंगल की गुफाओं से निकलकर बड़ी श्रद्धा से भजन सुनते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर तहसील के अंतिम छोर में प्रदेश के बॉर्डर और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा पर खड़ा खोह के जंगल में राजमांडा स्थान पर नदी से घिरी पहाड़ी में एक साधु की कुटिया है। इस कुटिया में रामदास बाबा निवास करते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह रामदास बाबा जैसे ही अपने वाद्य यंत्रों को बजाकर भजन शुरू करते हैं, वैसे ही धुन सुनकर जंगल से भालू का एक दल श्रद्धा भाव से आता है वहाँ पर, और जब तक बाबा का भजन चलता है वो वहाँ बना रहता है। एक खबर के मुताबिक ये हिंसक भालू जब तक भजन और पूजा पाठ चलता है तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये इनका रोज का काम है। उनके इस श्रद्धा की गाथा सुनने लोग दूर दूर से आते हैं, साथ ही लोगों का यह आस्था का केंद्र भी बन गया है। इस पूरी घटना के बारे में बाबा का कहना है कि वर्ष 2013 में जब मैं अपने आश्रम की कुटिया में भगवान की भक्ति में वाद्य यंत्रों के माध्यम से भजन गायन में लीन था, जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा भालुओं का एक दल आश्रम के बाहर शांत मन से भजन का आनंद ले रहा है। इसके बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, तब से लेकर आज तक यह सिलसिला चला आ रहा है। बाबा के वाद्य यंत्र और भजन की धुन सुनकर भालू दौड़े चले आते हैं। एक खास बात यह भी है कि भालू कभी भी बाबा के आश्रम की कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं करते। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.